यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने पद छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। नितिन पूर्व मंत्री और सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नितिन अग्रवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। हरदोई सदर सीट से सपा विधायक नितिन के पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना है। नितिन ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए त्यागपत्र में कहा कि वो विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए लालकुआं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने पुलिस चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे, जिसके चलते वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इलेक्शन के समय आचार संहिता के अनुपालन हेतु तथा फ्री इलेक्शन हो सके, इसके संबंध में अभी सुभाष नगर बैरियर पे चेकिंग हो रही है। इसमें पुलिस और अपना पैरामिलिट्री साथ में है, साथ साथ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है ये भी यहाँ पे है, इनके साथ में चेकिंग की जा रही है। ये कच्ची शराब हमने कल भी पकड़ी थी और परसों भी रहा, इस पर कार्रवाई जारी रहे, बाकी अभी चेकिंग कर रहे हैं। इस संबंध में कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूरी चेकिंग करी जा रही है, जो भी है व्यवस्था देखी जाएगी। इसमें जो भी अपनी कार्रवाई है, इसमें चालानी कार्रवाई तथा अगर कोई मानता नहीं है तो इस संबंध में मुकदमा भी लिया जाएगा। हमारी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। ये उल्लंघन संबंधी जो हमारी आचार संहिता की गाइडलाइंस हैं उसमें जो भी है उसमें मुकदमा लिखने का भी प्रोविजन है। जो भी हमारी शिकायतें आ रही हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा चेक की जा रही हैं। चमोली की विधानसभा सीट बद्रीनाथ के पोखरी विकासखंड मुख्यालय में जब आने वाले विधानसभा चुनावों के सिलसिले में चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेता ने आम जनता और राजनीतिक दलों से बातचीत की। इसके साथ ही पिछले 5 सालों में विधानसभा बद्रीनाथ के पोखरी विकासखंड क्षेत्र में निवर्तमान सरकार और विधायक ने कितना विकास किया है, इसको जानने की कोशिश की है। क्या रही लोगों की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आज हम बद्रीनाथ विधानसभा के पोखरी विकासखंड में पहुंचे हैं और यहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं लोगों से हम जानना चाहेंगे कि बद्रीनाथ विधानसभा में आज तक कितने विकास कार्य हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि बद्रीनाथ विधानसभा में ये पोखरी जो विकासखंड है, विकासखंड में कितना सरकारों ने यहाँ पे विकास किया है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय युवा हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बद्रीनाथ विधानसभा का ये पोखरी जो विकासखंड है, यहाँ पे जो निवर्तमान जो सरकार है, सरकार ने कितना विकास कार्य किया है। सर, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं नगर अध्यक्ष कांग्रेस यहाँ पर हूँ। और विकास कार्य की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो माननीय पूर्व विधायक थे बद्रीनाथ विधायक श्री राजेंद्र भंडारी जी के कार्यकाल में जो यहाँ पर विकास योजनाएं यहाँ पर मिली थी, विकास की एक सौगात यहाँ पर क्षेत्र को मिली थी, वो जब से मंत्री जी यहाँ से चुनाव हारे उसके बाद जो विकास के कार्य थे वो अधूरे रह गए। चाहे पॉलिटेक्निक की आप बात करें, चाहे आप स्टेडियम की आप बात करें, चाहे यहाँ पर रोडों की आप बात करें, तो तमाम कार्य अधूरे रह गए, जिससे कि क्षेत्रवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और आज समस्त क्षेत्रवासी एकजुट होकर समस्त क्षेत्रवासियों का ये निर्णय ले रखा कि आज इस बार माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी को भारी मतों से विजयी बनाना है। जो वर्तमान विधायक जी हैं वो तो कभी कभार यहाँ क्षेत्र में आते हैं और जो विकास के कार्य हैं, विकास के कार्यों से आज पोखरी बहुत कोसों दूर हो चुका है। जो माननीय भंडारी जी ने एक विकास की सौगात पोखरी को दी थी, यहाँ पर पॉलिटेक्निक का जो भवन आज भी अधूरा है और हमने उसके लिए जन आंदोलन यहाँ पर माननीय भंडारी जी की अगुवाई में किया तो हमें केवल आश्वासन मिला और ये झूठे आश्वासन आज मैं समझता हूँ कि डबल इंजन सरकार के द्वारा हमको छला जा रहा है किसी प्रकार से यहाँ पर। और विकास के नाम पर केवल अगर डबल इंजन सरकार ने किया तो अपने बड़े बड़े कार्यालय इन्होंने जो हर जिले में खोला है, हर बूथ पर इन्होंने कार्यालय के लिए अपनी सुविधाएं दी हैं, बड़े बड़े कार्यालय इन्होंने अपने खोले हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो प्रदेश की जनता है इनके छलावे से उभर चुकी है और प्रदेश की जनता ने एक निर्णय ले लिया कि इस बार सबने एकजुट होकर कांग्रेस सरकार को लाना है। अगर हमारा विकास कोई पहाड़ का करता है तो कांग्रेस सरकार की है और यहाँ पर माननीय राजेंद्र भंडारी जी के जो विकास के कार्य आज किसी से अछूते नहीं हैं। चाहे हम रोडों की बात करें, जितने भी रोडों का शासनादेश माननीय भंडारी जी ने किया था उन पर आज एक कदम भी उनका रोडों का शासनादेश क्या उन पर प्रगति के लिए एक कदम भी आज वो रोडें आगे नहीं बढ़ी हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, जबकि विधायक जी हमारे क्षेत्र से थे, हमारे नज़दीक से थे, लेकिन विकास के नाम पर विधायक जी ने यहाँ पर कोई विकास की नई योजना ही नहीं की। 7-8 साल पहले की बात है, पोखरी में पानी की समस्या इतनी बड़ी थी कि रात को 11-12 बजे
तक यहाँ पर हैंडपंपों पर लाइन लगी रहती थी। माननीय मंत्री जी ने सबसे बड़ी सौगात पुनर्गठन योजना देकर यहाँ पर पानी की जो पेयजल लाइन यहाँ पर दी है क्षेत्रवासियों के लिए, उसके लिए लगभग 35-40 ग्रामवासियों को फायदा हुआ जिस जल के लिए। और आज सब लोग माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और एक बार जब मंत्री जी हारे तो माननीय मोदी जी की लहर में हार गए हैं, और अब क्षेत्रवासी को पता चल गया है कि कोई हमारा विकास कर सकता है। अगर बद्रीनाथ विधानसभा का और पूरे चमोली का विकास कर सकता है तो माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे उत्तराखंड में, और माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी जी पुनः इस बार 2022 में सत्ता में आकर पूरे बद्रीनाथ विधानसभा का और पूरे चमोली जिले का विकास करेंगे, उसके लिए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अपने सभी हमारे सहयोगी भी जो आज अपने को छला महसूस कर रहे हैं और आए दिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, अभी अब हमारे बीच में ले लीजिए कई हमारे युवाओं ने कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्वाइन किया। आपके वाचिक यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने लोगों ने अभी तक यहाँ की समस्याओं पर बोला, आप कितना संतुष्ट हैं अपने विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर के? मेरा नाम धीरेन्द्र भंडारी सर। विकास कार्य जो पूर्व विधायक माननीय कैबिनेट भंडारी जी द्वारा किए गए हैं, उसके अलावा क्षेत्र में भी कोई विकास कार्य नहीं हुए। माननीय भंडारी जी ने क्षेत्र में पॉलिटेक्निकल से लेकर ITR से लेकर और यहाँ पे नज़दीकी हमारे पोखरी में ग्राम सभा देवस्थान है, आज नगर पालिका में है, वहाँ के गुरुजी लोगों ने अपनी जमीन भी फार्म के लिए दान दी थी और उसमें टोकन मनी भी जमा हुई थी सरकार के द्वारा दी गई थी, लेकिन आज तक उस सरकार ने 5 साल बीत गए हैं पर बी फार्मा का कोई वो नहीं किया। लोगों ने देवसान के हमारे सती लोगों ने अपने जमीनों में दान दिए पर इस सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो विकास कार्य के रूप में मैं शहर की बात और ये जिले की बात छोड़ दीजिए, आप गांव की ओर चलिए। गांव में जो भी जितने भी देवताओं के मंदिर हैं सारे कार्य भंडारी जी द्वारा किए गए। मैं अपने गाँव पापी की बात लेता हूँ, हमारे गांव में मल्लापाप में हमारे त्रिपाठी लोग रहते हैं, वहां भूतनाथ के मंदिर के लिए भंडारी जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं। नीचे पाप में गुरील मंदिर के लिए भंडारी जी ने सुंदरगण के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। पाप में मुन्ना देवता के लिए मंत्री जी ने प्रतीक्षालय में 1 लाख रुपए दिए हैं। तो गाँव में ऐसे अनेक कार्य हैं, अभी गेट के लिए भंडारी जी ने पाप में 2.5 लाख रुपए दिए हैं, प्रतीक्षालय गजेट वगैरह में 1.5 लाख रुपए दिए हैं। ठीक सर, तो अनेक कार्य बहुत अच्छी बात है कि आपके दिया उन्होंने किया। आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके विधानसभा के अंदर का क्या विकास कार्य हुए पिछले 20 वर्षों का? 22वें वर्ष में राज्य हमारा पहुंच चुका है, जो पूरी विधानसभा है उसमें कितना विकास कार्य हुआ, क्या संतुष्ट है कि नहीं है आप? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पोखरी में, और निश्चित जो ये 5 साल का कार्यकाल भाजपा कर रहा है और महेंद्र भट्ट जी कर रहा है, निश्चित ही बुलंदियों वाला कहेंगे हम इसको। मैं बताना चाहूँगा पोखरी के अंदर 3 सालों के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पहले पूर्व के विधायक जी जहाँ हेलीकॉप्टर से गाँव में लैंडिंग करते थे, आज हम वहाँ सड़क से जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विकास हुआ। पूरे पोखरी क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़कों की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी पोखरी के अंदर। पोखरी में इतने सुदूरवर्ती थे कि वहाँ लोगों ने कांग्रेस सरकार के समय की महिलाओं ने तक 9-9, 10-10 दिन तक भूख हड़तालें करी थी, लेकिन आज वहाँ अंतिम गांव तक सड़क पहुँचाने का अगर किसी ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने वो काम किया। और यहाँ पे कम से कम यहाँ से हम तो टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी है। 1-1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारी सड़क बेहाल हो रखा, वहाँ पे ना बड़ी गाड़ी जाने के लिए है ना कोई भी, वहाँ पे कुछ वो नहीं है वहाँ। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे बोलने की बात आप किसी से भी पूछो, यहाँ पे कोई भी है, देवर में 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 3 किलोमीटर के हेर फेर में होगा, तो सारी रोड अस्त व्यस्त हो रही है, लोग परेशान है यहाँ पे, टैक्सी वाले यहाँ पे धक्का मार मार रखे। तो ये थी विधानसभा बद्रीनाथ की जनता, बद्रीनाथ के पोखरी विकास खंड के आम आदमी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे हमने बातचीत की कि विधानसभा बद्रीनाथ के पोखरी में कितना विकास कार्य हुए, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो पोखरी विकास खंड जो है ऐतिहासिक विकास खंड भी है, क्योंकि यहाँ विधानसभा जो बद्रीनाथ है, इस बद्रीनाथ से जो जीतता है उसकी सरकार बनती है, जिस ढंग से गंगोत्री विधानसभा है जहाँ से विधायक जिसका विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है। तो निश्चित रूप से जो जनता ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी कि कितना विकास कार्य हुए हैं, क्या विकास कार्य नहीं हुए, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगे। इसी तरह से न्यूज वर्ल्ड की टीम पूरी विधानसभा की रिपोर्ट आपको अपने दर्शकों को दिखाएगी, तो बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। सुरेंद्र हंत्रा की रिपोर्ट, पोखरी चमोली। लखनऊ में संपत्ति के लालच में एक सनी की बेटे ने अपनी ही मां और बाप और छोटे भाई की हत्या कर दी। बेटे ने पहले तीनों के खाने में 90 नींद की गोलियां मिला दी, बाद में तीनों को नशे की हालत में
बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपने एक साथी को 1,80,000 की सुपारी देकर अपने साथ शामिल किया। हत्या के बाद तीनों के शवों को कार में डालकर इटौजा, मलिहाबाद और माल क्षेत्र में ठिकाने लगाया। खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचकर मृतकों के मोबाइल से बहन को झूठी सूचना दी कि भूस्खलन में तीनों लोग लापता हो गए हैं। वहीं बेटी के ट्वीट पर बीकेटी और विकास नगर पुलिस एक्शन में आई और तीनों के शवों को बरामद कर जब आरोपी से पूछताछ की तो इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ। लखनऊ ग्रामीण पुलिस को इटौजा थाने में एक शव मिला था 26 साल के लड़के का, तो उसका मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। उसके बाद 8 तारीख को मलिहाबाद थाने में एक वृद्ध का शव मिला, इसकी भी गर्दन कटी लाश थी और पहले जो लड़का मिला था उसकी भी गर्दन रेत के ही हत्या की गई थी। उसके बाद 13 तारीख में माल थाने पर एक शव और मिला जो लगभग 50 साल की महिला का था, सड़ गल गया था क्योंकि 2 हफ्ते पुराना हो चुका था। फिर हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तलाश गश्ती भी चल पाई थी, पहचान करा रहे थे। इसी बीच कल 18 तारीख को दैनिक जागरण अखबार ऑनलाइन में पढ़ रही थी, उसमें देखा कि एक परिवार है जो कि विकास नगर का है और एसपी रामबन उसकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये घटना निकली थी कि भूस्खलन में लैंडस्लाइड में ये परिवार कहीं लापता हो गया है। मैनपुरी में चेकिंग के दौरान थाना किशनी क्षेत्र के किशनी पुलिस और सर्वेलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर किशनी पुलिस और सर्वेलांस टीम ने करीब 1.5 क्विंटल गांजा समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये प्रकरण थाना किशनी का है। आज थाना किशनी पुलिस और सर्वेलांस टीम को एक जो है ट्रक में जिसमें कांच का स्क्रैप लगा हुआ था और इसी में नीचे गांजा रखा हुआ था, इसके बारे में मुखबिर और सर्वेलांस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा इसको जब ट्रेस किया गया तो ये ट्रक संख्या जो है UP 75 BT 2681 ये पकड़ा गया, इसकी तलाशी ली गई तो इसमें लगभग 4 बोरियों में 5-5 किलोग्राम के लगभग 32 पैकेट तलाशी मिले। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।